Hello students, in the last video we have studied about the gradient and Laplacian operator. Okay, now after all the basic concepts we can start with our first major topic, that is static electric field. Okay, hum log already study kar chuke hain first video mein ki electric field jo hoti hai wo aapki charge distribution ke karan hoti hai. और जो आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होती है. चार्ज आपका क्या होता है? स्टेशनरी होता है, ठीक है ना. और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से क्या होती है? आपकी एनर्जी होती है, ठीक है. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियोज में. ओके, तो यहां पर हम डायरेक्टली कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें कौन कौन से मेजर कंसेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके दो लॉस, ठीक है. देर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. फर्स्ट लॉ जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज की वीडियो में वो है आपका कुलाम्स लॉ. ओके, तो कुलाम्स लॉ हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में. ओके, और हम लोग देखेंगे कि कुलाम्स लॉ का यूज करके हम लोग किस तरह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो कुलाम्स लॉ क्या स्टेट करता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं. कुलाम्स लॉ स्टेट करता है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. ओके, मैं इस स्टेटमेंट को देने से पहले यहां पर आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि मैंने यहां पर कहा ना फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज पॉइंट चार्जेस. ओके, तो पॉइंट चार्जेस क्या हैं? पहले हम उस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे कुलाम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है. तो पॉइंट चार्जेस क्या होता है ये? तो पॉइंट चार्ज से हम क्या मीन करते हैं? द चार्ज दैट इज लोकेटेड ऑन अ बॉडी, ठीक है ना, हैविंग डायमेंशन मच स्मॉलर देन द अदर रेलेवेंट डायमेंशन. मतलब अगर चार्ज किसी एक ऐसी बॉडी पर है जिसका डायमेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ठीक है ना, बॉडी डायमेंशन इज वेरी स्मॉल, ओके, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज. ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से? बॉडी डायमेंशन इज वेरी स्मॉल ऑन विच द चार्ज इज लोकेटेड. ओके, व्हेन आप कंपेयर करते हैं अदर रेलेवेंट डायमेंशन से. ओके, नाउ इसका कोई एग्जांपल हो सकता है क्या? सपोज करिए कि आपका किसी पिन हेड है, ठीक है ना, पिन हेड है, उसमें आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या बोलेंगे कि पॉइंट चार्ज है वो, ठीक है ना, क्योंकि जो बॉडी का डायमेंशन है वो क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, ठीक है ना. तो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द पिन हेड, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ यहां पर आपको कुछ चीजें और क्लियर होनी चाहिए. चार्ज की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, ठीक है, क्लियर है अच्छे से. नाउ अब हम जा सकते हैं कुलाम्स लॉ की स्टेटमेंट पर. तो कुलाम्स लॉ क्या बोलता है आपका कि फोर्स बिटवीन, ठीक है, एनी टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2. ओके, मीन्स Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के. ओके, और किसके प्रोपोर्शनल होता है? और कुलाम्स लॉ बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ओके, 1/r². अब ये r क्या होता है आपका? r होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है वो है आपका r, ठीक है ना, और उसका आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है. तो आप ये भी कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है. तो आपका जो फोर्स है कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो हो जाता है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 / r². ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर दूं तो ये होता है आपका 1/4πε. ओके, Q1 Q2 / r². ओके, नाउ ये एप्सलॉन क्या है, ये भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं. एप्सिलॉन होता है आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है ना. तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है आपकी वो होती है आपकी एप्सिलॉन 0 × εr. अब ये आपका एप्सिलॉन 0 क्या होता है? ये होता है आपका फ्री स्पेस परमिटिविटी. ओके,
एप्सिलॉन आपका क्या कहलाता है, परमिटिविटी, और एप्सिलॉन जीरो क्या कहलाता है, फ्री स्पेस परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर जो है वो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्री स्पेस अगर आप कंसीडर करते हैं तो जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वन होती है, ठीक है। एप्सिलॉन आर का आप डिटेल नॉलेज करेंगे आगे की आने वाली क्लासेस में, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो अभी फिलहाल के लिए मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू वन लेके चलूंगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस कंसिडर कर रहा हूं, एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो जो आपका फोर्स हो जाएगा क्यू वन क्यू टू, ठीक है, अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, ये आपका फोर्स हो गया। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि फोर्स जो होता है उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। फोर्स या तो क्यू वन क्यू टू पे लगाएगा या तो क्यू टू क्यू वन पे लगाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, फोर्स बाय क्यू वन ऑन क्यू टू, ओके, एफ वन टू। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपका ए वन टू। ओके, अब ये आपका यूनिट वेक्टर है क्या, ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यूनिट वेक्टर आपका कुछ नहीं है, जो आपका डिस्टेंस है ना दोनों के बीच की, डिस्टेंस वेक्टर ही है। डिस्टेंस वेक्टर आप निकालिए और उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, फोर्स बाय क्यू वन ऑन क्यू टू, ठीक है। तो यहां पर जो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वेक्टर को सपोज करिए अगर मैं आर से शो करता हूं, ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस वेक्टर मतलब डिस्टेंस का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, ठीक है ना। मॉड ऑफ आर वही है आपकी डिस्टेंस है, क्लियर अच्छे से। तो ये आपका जो फॉर्मूला है एफ का वो बन जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी था। ए वन टू की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर, ओके। तो आर क्या है, डिस्टेंस वेक्टर, और आर क्या है, डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर इंटू आर आपका क्या हो जाएगा, आर क्यूब ही हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला होता है फोर्स का इन केस ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है ना। फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2, F12, क्लियर। नाउ अब आप सपोज करिए मैं एक केस लेके चल रहा हूं जहां पर आपके दो से ज्यादा चार्जेस हैं, ठीक है ना, दो से ज्यादा आपके पॉइंट चार्जेस हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, और बाकी बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, ओके, अप टू क्यू एन, ओके, और इन सब चार्जेस के कारण मुझे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन अ चार्ज क्यू, ठीक है, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो मुझे ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो क्यू वन है और क्यू है उनके बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, क्यू टू और क्यू के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, क्यू थ्री और क्यू के बीच में मुझे डिस्टेंस पता है। तो यहां पर एक तरह से सुपर पोजिशन आपका लग जाएगा, ठीक है ना। पहला कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए Q और Q1 का, दूसरा ले लीजिए Q और Q2 का, तीसरा ले लीजिए Q1 Q3 का, और सब फोर्सेस को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर टोटल फोर्स मैं इस केस में आपके लिए निकालूं तो ये हो जाएगा Q इंटू क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं Q और Q1 के बीच की डिस्टेंस को R1 से शो करूं तो R1 स्क्वायर, ठीक है, R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R प्लस Q Q2 हो जाएगा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू स्क्वायर, ठीक है ना, आर टू वेक्टर डिवाइडेड बाय आर टू। ओके, आर टू क्या है आपकी, क्यू और क्यू टू के बीच की क्या है आपकी डिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर हो गया है पॉइंट आपका। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जब आपके एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हो और उनके कारण आप किसी और चार्ज पर टोटल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, क्लियर अच्छे से। नाउ अब कूलम्स के लॉ के थ्रू ही हम लोग एक और कंसेप्ट यहां पर स्टडी कर सकते हैं, वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम लोग सिंपली ई से शो करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको स्टडी करवा चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है आपकी वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो फोर्स डिवाइडेड बाय
चार्ज, ठीक है, ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर। तो जो इसका फॉर्मूला आप देते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा, फोर्स में आपके दो चार्ज थे, यहां सिंगल चार्ज हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आपका साथ ही साथ क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, आप कुछ भी नाम दे दीजिए इसका, ए आर नाम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आर को आप कैपिटल ही लिख रहे हैं तो आप कैपिटल ही लिखते चलिए यहां पर भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ए आर, ठीक है। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपके चार्जेस जो हैं बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे एक्सटेंड कर जाएंगे, देखिए Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओके, ए आर वन प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन स्क्वायर कर दीजिए, यहां पर R2 स्क्वायर कर दीजिए इंटू ए आर टू एंड सो ऑन, ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से। तो अगर आपके एक से ज्यादा चार्जेस हो, ठीक है, जिनके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn तक हो, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को, या इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्लियर है अच्छे से। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल ए आर है वो आपका यूनिट वैक्टर है, आप उसे आर वैक्टर अपॉन आर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉर्मूला बिल्कुल आपका सेम है, ठीक है, फोर्स के केस में आपके क्यू इंटू क्यू थे, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में सिर्फ और सिर्फ आपका क्यू है, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं दोनों फॉर्मुलों में, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स का फॉर्मूला बाय यूजिंग कुलाम्स लॉ, ओके। नाउ यहां पर मैं आप कुछ न्यूमेरिकल कंसिडर करने जा रहा हूं कुलाम्स लॉ को बेटर अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, एक आपका चार्ज Q1 है -2 माइक्रो कुलाम, ठीक है, इज लोकेटेड एट ओरिजिन, ओके, तो आपका ओरिजिन पे वो लोकेट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं 0.0.0 पर वो लोकेटेड है, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो 0.0.0 हमने बिल्कुल सही लिखा है। और बोल रहा है सेकेंड चार्ज है, चार्ज Q2 -10 मिली कुलाम, ठीक है, इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर लोकेटेड है, इसका मतलब आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताइए, ऑब्वियसली बात है आप लिख पाएंगे वाई और जेड दोनों को ही जीरो लिख पाएंगे, ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, हो सकता है गिवन हो, देखते हैं आगे जाके। यहां आपको दिया है डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, तो 50 सेंटीमीटर दिया है ना डिस्टेंस आपकी ओरिजिन से, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा, अगर मैं मीटर में लिख रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली 0.5, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सेकेंड चार्ज के। कह रहा है कि डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है, आपको फोर्स निकालना है Q1 पर, ठीक है ना, ड्यू टू Q2, क्लियर है। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इफ बोथ आर इन फ्री स्पेस, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, एक आपको चार्ज दिया है Q1 -2 माइक्रो कुलाम 0.0.0 पर, एंड एक चार्ज दिया है Q2 -10 मिली कुलाम एक्स एक्सिस पर दिया है, और कोई अगर एक्स एक्सिस पर हो तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट उसके हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आपको डिस्टेंस दी हुई थी एक्स एक्सिस पे 50 सेंटीमीटर, दैट मींस यू कैन राइट 0.5 मीटर, ओके, आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ओके। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट अब देखूं, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, 1/4πε0, ओके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए आर, ओके। तो अब आपको देखना है, मैंने अभी तक आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं बताई है, यहां मैं आपको बता देता हूं जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, वैसे कई बार एग्जाम में गिवन होती है यूजफुल डेटा में, अगर नहीं भी गिवन हो तो ये इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि आपको पता होनी चाहिए, 8.854 इंटू 10^-12 फैरेड पर मीटर, ओके, ये वैल्यू आपको नोन होनी चाहिए वैसे, ओके। नाउ यहां पर अगर मैं F के फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट कर दूं, तो आप देखिए यहां पर
सारी वैल्यू आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ प्रॉब्लम होगी आर और ए आर निकालने में, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर आपको दिया क्या है, आपको फोर्स ऑन क्यू वन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ड्यू टू क्यू टू, ओके क्लियर है अच्छे से। तो अगर आप ध्यान से समझें, क्यू वन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो क्या है, 0.0.0 है, और क्यू टू का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0.5.0.0, ठीक है। तो अगर आपका वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्यू टू से क्यू वन की तरफ होगा, क्योंकि आप जो फोर्स है वो क्यू वन पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस वेक्टर आर जो होगा वो क्या होगा, 0 - 0.5 × ax, तो क्या होगा, -0.5 ax, 0 - 0 × ay, 0, 0 - 0 az, 0, ठीक है ना, क्लियर है ना। आप जहां से जहां जा रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स आप जहां पर पहुंच गए हैं, ठीक है, तो 0 - 0.5 आपको करना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, 0.5 - 0 नहीं करना है आपको, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पर मॉड ऑफ आर निकाल लूं तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ए आर कैलकुलेट करूं तो क्या होता है, -0.5 ax / 0.5, क्या हो जाएगा आंसर, -ax, क्लियर अच्छे से। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, मॉड क्या होता है आपका, अंडर रूट कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल ए जेड स्क्वायर, यहां पर यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ ए एक्स प्रेजेंट था, तो कैपिटल ए वाई और कैपिटल ए जेड दोनों क्या थे, 0, और कैपिटल ए एक्स क्या था आपका, -0.5, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे मॉड तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5, और ए आर कितना आ गया आपका, -ax, क्लियर है अच्छे से। तो यहां से अब आप फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो जो आपकी फोर्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी F = 1/4π × 8.854 × 10^-12, ओके, इनटू Q1 क्या लिया है हमने, -2 μC, मींस -2 × 10^-6, ठीक है, इनटू Q2 क्या लिया है, -10 mC, तो -10 × 10^-3, ठीक है, हमने लिख लिया Q1 Q2, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या था, डिवाइड बाय में क्या था, पहले ये देख लीजिए, डिवाइड बाय में था आपका आर स्क्वायर, तो आर कितना आया, 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू ए आर था आपका, और ए आर की वैल्यू क्या है, -ax, तो ये जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा -ax, क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वाया कैलकुलेटर आप बड़े इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा डायरेक्शन है -ax, मीन्स फोर्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है -± + हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से कुलाम्स लॉ का यूज करके आप फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते थे, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए आपको 3 equal point charges गिवन है, ठीक है, आपको 3 point charges गिवन है, Q1 Q2 एंड Q3, तीनों की वैल्यूज आपकी इक्वल है 3 μC, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तीनों के तीनों फ्री स्पेस में है, ये भी आपको बोल दिया गया है, एक्चुअली पूरा का पूरा फ्री स्पेस ही कंसीडर करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, ठीक है। आपको बोल रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट चार्ज है Q1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 0, Q2 के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2, 0, 0, Q3 के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं 0, 2, 0, ठीक है। आपको बोल रहा है नेट फोर्स, फोर्स आपको निकालना है, एक और चार्ज गिवन है Q4, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए हैं 2, 2, 0, और Q4 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी है 10 μC, ओके। तो इसी Q4 पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो कंप्लीट सिस्टम जो है वो फ्री स्पेस में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एप्सिलॉन 0 ही कंसीडर करेंगे। तीन चार्ज दिए हैं Q1 Q2 Q3, तीनों की वैल्यू सेम है 3 μC, एक और चार्ज है जिसकी वैल्यू है 10 μC, ठीक है। आपको बोला है Q1 Q2 Q3 के कारण जो Q4 पर फोर्स हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो आपको डिटरमाइन करना है, सबके कोऑर्डिनेट्स, चारों के चारों चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है।
तो यहां पर अगर मैं एक डायग्राम क्रिएट कर लूं तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप देख सकते हैं हर एक कोऑर्डिनेट में जेड की वैल्यू जीरो है, तो उसके लिए हमें वरी नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसे एक्स एक्सिस ले लेता हूं, इसे वाई एक्सिस ले लेता हूं। एक चार्ज है आपका 0.0.0 पर, वो चार्ज कितना है आपका Q1, ठीक है। एक चार्ज है Q2 जो कि है आपका 2.0.0 पर, ठीक है ना, चार्ज Q2, क्लियर है अच्छे से। एक चार्ज है आपका Q3, Q3 कहां पर है आपका 2.0, ये आपका एक्चुअली Q4 है, 2.0, ये चार्ज है आपका Q4 जिसपे आपको फोर्स निकालना है। और जो आपका Q3 है वो है आपका 0.2.0, क्लियर है ना अच्छे से। जब आप बात करते हैं 2.0.0 की, तो ऑब्वियस सी बात है y और z दोनों जीरो हैं, तो x एक्सिस पर ही होता। जब आप बात करते हैं 0.2.0 की, तो आपका x और z दोनों जीरो हैं, तो y एक्सिस पर ही होता। जब आप बात करते हैं 2.2.0 की, तो आपका z जीरो है, तो एक्स वाई प्लेन में ही होगा, ठीक है। तो अब आपको Q1, Q2 और Q3 के कारण Q4 पर टोटल नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर आपका सुपर पोजिशन लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में जाऊं, तो पहला मैं ले रहा हूं फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q1, ओके। Q1 के कारण क्या फोर्स होगा, इसे मैं नाम दे रहा हूं F1। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2, ओके। एक्चुअल में आप Q4 लिख लीजिए, क्योंकि आपने जो चार्ज जिसपे आपको कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स, वो आपका क्या है Q4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो Q1 Q4, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर लिख दीजिए इसे, और इसे लिख दीजिए AR1, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो आप ध्यान से समझिए, आपको Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, Q4 की गिवन है, 4π कांस्टेंट है, आपको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन 0 भी एक कांस्टेंट है, आपको पता है क्या होता है, ठीक है। R1 और AR1 यही कैलकुलेशन के लिए होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q1, ओके। दैट मींस Q4 का कोऑर्डिनेट्स माइनस Q1 का कोऑर्डिनेट्स, ये आपको दे देगा R1, ठीक है। तो Q4 का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका, 2.2.0 है, और 0.0.0 किसका है, Q1 का। तो जो आपका R1 वेक्टर होगा Q4 माइनस Q1, मतलब कितना हो जाएगा आपका 2ax प्लस 2ay, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर जो आपका मॉड ऑफ R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 + 4 अंडर रूट 2² + 2² तो जो AR1 है वो कितना हो जाएगा 2ax प्लस 2ay अपॉन अंडर रूट 8, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा R1 का और AR1 का, ठीक है। तो यहां से जो आपका F1 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/4πε0, ठीक है। अब आप Q1 और Q2 की वैल्यू देख लीजिए, यहां पर Q1 की है 3 μC, Q2 की है 10 μC, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 × 10⁻⁶, 30 μC, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपका R1² मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 8, क्लियर है अच्छे से, ठीक है ना। 4 + 4 कितना होता है 8, और आपका जो अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इनटू क्या करना है AR1, मतलब 2ax प्लस 2ay अपॉन अंडर रूट 8, क्लियर है अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसा था जो आपने F1 कैलकुलेट किया है, जो आपने लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेट किया था, देख सकते हैं यहां पर आपका जो F आया था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है आपका, कहीं पर भी कोई चेंज आपका नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर आपका कैलकुलेट हो गया है F1, ठीक है, क्लियर है अच्छे से, बन जाएगा आप लोगों को। अब F1 के कैलकुलेशन के बाद अगला जो हमें कैलकुलेट करना है F2, ओके। F2 भी आप समझ गए हैं, फॉर्मूला आपका यही होगा 1/4πε0, ठीक है, Q2 Q4, ठीक है ना, Q2 के कारण Q4 पर क्या फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय R2² × AR2, ठीक है। तो
तो फिर से जो मेन है आपके लिए वो क्या क्या है, आपको कैलकुलेट करना है R2 एंड AR2, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं R2 कैलकुलेशन की तरफ जाऊं तो आपको पता है R2 क्या होगा, R2 होगा Q2, ठीक है ना, और Q4 के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो आप Q2 से Q4 की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, Q4 माइनस Q2 के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए 2 माइनस 2 जीरो, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका 2ay, ठीक है। तो ये जो वेक्टर R2 है ये बच जाएगा 2ay, ठीक है, और जो मॉड R2 है ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप यहां से AR2 भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ay बन जाएगा यहां तक आपको। तो ये आपका आ गया F2 में डायरेक्शन ay, ठीक है। नाउ अब अगर मैं यहां पर वैल्यूज लिख दूं आपके लिए तो F2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर से देखिए Q1 Q2 Q3 तीनों आपके 3 माइक्रो कूलम थे और Q4 क्या था 10, तो यहां पर फिर से आपका क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 30 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर टू स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा इंटू 4, फिर क्या है ए आर टू मतलब ए वाई, बहुत ईजी था आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा F3, F3 का फॉर्मूला क्या होगा Q1 Q2, ठीक है, लेकिन अगेन हमें वैल्यूज वही पुट करनी होगी जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है। तो क्वेश्चन में क्या क्या हो जाएगा F3 के लिए आपका, आपको Q3 लेना है के कारण Q4 पर जो फोर्स लग रहा है Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का स्क्वायर ले लीजिए इसे और AR3 कर दीजिए, ओके। तो अगेन बात वहीं पर आ जाती है कि आपको फिर से सिर्फ और सिर्फ R3 और AR3 कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं फिगर में देखूं फिर से तो जो आपका R3 वेक्टर है जो यहां पर आपने बना रखा है, देखिए यहां पर आपने कोऑर्डिनेट सारे शो कर रखे हैं, तो R3 मींस क्या हो जाएगा Q3 और Q4 के बीच का डिस्टेंस। आप Q3 से Q4 पर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो Q4 के कोऑर्डिनेट्स माइनस Q3 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो 2 माइनस 0 2ax, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 इज 0, तो क्या बच जाएगा आपका 2ax, ओके। तो यहां से जो R3 वेक्टर है ये हो जाएगा 2ax, तो आप R3 निकाल सकते हैं मॉड ऑफ R3 वेक्टर 2, और AR3 कितना हो जाएगा आपका ax, क्लियर अच्छे से। तो यहां से आपका जो F3 है वो Q1 Q2 फिर से क्या हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर मींस 4, ठीक है, इनटू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर AX, फिनिश। ये हो गया आपका क्वेश्चन, बस आपको अब क्या करना है, F की वैल्यू लिखनी है F1 प्लस F2 प्लस F3, ओके। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको पूरा आंसर पूरा कैलकुलेशन करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं फिर से रिपीट कर देता हूं 8.854 इनटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर। तो बस आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तीनों को ऐड करिएगा, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नाउ एक और क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देखेंगे, हमने दो क्वेश्चन में फोर्स का कंसेप्ट देख लिया, नाउ वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहां पर आपको देखिए एक चार्ज दिया है Q1 माइनस 2 नैनो कूलम, ठीक है, इज एट ओरिजिन, तो वो है आपका 0.0.0 पर, ओके। और आपको कह रहा है कि इफ x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी 0 एट पॉइंट 3.1.1, ठीक है, आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है वो जीरो है एट पॉइंट 3.1.1, ओके। व्हाट चार्ज क्यू टू शुड बी कैप्ट एट 2.0.0, ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। और आपको क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि जो 0.3.1.1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3.1.1 इज ड्यू टू चार्ज Q2
Q1 and Q2, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। आपको एक चार्ज दिया हुआ है Q1 -2 नैनो कूलम ओरिजिन पर है, एक चार्ज है Q2 2.0.0 पर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। Q2 है 2.0.0, ये आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपको बोल रहा है इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो 3.1.1 पे है उस पे एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है, तो Q2 चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर अच्छे से। तो मैं यहां पर आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। 0.0.0, ठीक है, और एक चार्ज है आपका 2.0.0 पर। इन दोनों चार्ज के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है 3.1.1 पर, ठीक है ना, वो आपका सपोज करिए फॉर्मेट होगा EX, AX, EY, AY, EZ, AZ, ओके, ऐसा कुछ फॉर्मेट सपोज करिए आपका आएगा, ठीक है ना, जिसका X कंपोनेंट भी होगा, Y कंपोनेंट भी होगा और Z कंपोनेंट भी होगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि EX जो है वो जीरो है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है अगर EX जीरो है तो इस डेटा का यूज करते हुए आपको Q2 चार्ज निकालना है जो कि 2.0.0 पर है, और Q1 चार्ज की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, -2 नैनो कूलम। तो Q1 चार्ज की वैल्यू दी है, Q2 चार्ज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर फिर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है Q1 Q2 के कारण, तो पहले आप Q1 के कारण कैलकुलेट करेंगे, फिर आप Q2 के कारण कैलकुलेट करेंगे, ओके, और दोनों का समेशन कर देंगे, फिर से वही सुपर पोजिशन लग जाएगा। तो सॉल्यूशन पार्ट में मैं जाता हूं यहां पर, तो जो आपका E1 का फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका E1 का फॉर्मूला हो जाएगा Q ओके अपॉन 4πε r², ओके, तो Q1 कर दीजिए अपॉन 4πε₀ r², तो इसे r1 कर दीजिए, ठीक है ना, r1² कर दीजिए इसे, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ar1, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए आपको Q1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है, फिर से आपको सिर्फ और सिर्फ r1 और ar1 ही चाहिए, उसके अलावा आपको यहां पर कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर आप समझिए ये जो r1 है, देखिए आप कहां से कहां जा रहे हैं, Q1 से E की तरफ, इसका मतलब 3.1.1 -0.0.0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 3ax प्लस ay प्लस az, क्लियर, 3 - 0 = 3, 1 - 0 = 1, ठीक है ना, और 1 - 0 = 1, ठीक है। तो आपका जो मॉड ऑफ वेक्टर r1 है, वो r1 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहां पर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 11, ठीक है। तो यहां से जो आपका ar1 है वो कितना हो जाएगा, ar1 हो जाएगा 3ax प्लस ay प्लस az अपॉन अंडर रूट 11, ठीक है। तो ये आपका जो e1 है वो आ जाएगा आपका 1/4πε₀r², मतलब 11, ठीक है, इंटू ar1 3ax प्लस ay प्लस az अपॉन अंडर रूट 11 इंटू q1। Q1 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में आप देख लीजिए यहां से, -2 नैनो कूलम, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां पर, कितनी हो जाएगी -2 × 10⁻⁹ नैनो का यही होता है ना 10⁻⁹, ठीक है। नाउ E2 को कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, क्या हो जाएगा Q2 अपॉन 4πε₀r² × ar2, ठीक है, अगेन यहां पर भी आपको R2 और AR2 ही कैलकुलेट करना है। तो R2 देखिए आप क्या हो जाएगा, 3.1.1 - 2.0.0, ओके, तो यहां पर देखिए 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा AX, 1 - 0 1 AY, 1 - 0 1 AZ, ओके। तो यहां पर आपका आंसर जो आ रहा है R2 का वो आ रहा है AX प्लस ay प्लस az, ओके, और जो आपका मॉड ऑफ r2 वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, और जो ar2 है
वो हो जाएगा ax plus ay plus az upon under root 3. ओके क्लियर. नाउ अब आपको बोल रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो e1 plus e2 है, ठीक है ना. आप पहले अगर e2 को लिखना चाहते हैं तो आप पहले e2 को लिख लीजिए यहां पर, उसके बाद फिर हम लोग e1 plus e2 कर लेते हैं, ठीक है ना. तो e2 क्या हो जाएगी आपकी 1 upon 4 pi epsilon naught into r2 square, मतलब into 3 ar2 ax plus ay plus az upon under root 3 into क्या है q2 है. वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो हमें e1 plus e2 करने की जरूरत ही नहीं है, e1 plus e2 e होगा और साफ साफ बोला है कि ex 0 है, उसका x component 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ आप x component को ही लिखिए ना, ठीक है ना. आप सीधा सीधा ex लिखिए. ex means क्या होगा, e1 और e2 का x component का addition, ठीक है. तो देखिए दोनों ही केस में आपका 1 upon 4 pi epsilon naught जो है वो common आ जाएगा, ठीक है. e2 के केस में क्या है x component, देखिए आप q2 upon 3 root 3, ठीक है ना, यहां root 3 भी है, into क्या हो जाएगा ax. कोई प्रॉब्लम है नहीं. आगे देखिए, यहां पर देखिए e1 के केस में x कंपोनेंट क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, ठीक है. -2 into 10 की पावर -9, ठीक है, क्या हो जाएगा -2 into 10 की पावर -9 अपॉन 11 root 11, ठीक है. और यहां पर क्या आ रहा है 3ax है, तो आपका क्या हो जाएगा into 3ax. ओके इसकी वैल्यू दी है 0, तो आप इक्वल टू क्या कर सकते हैं 0, ठीक है. कोई और टर्म्स हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे देखिए ax यहां पर कॉमन है, 1 upon 4 pi epsilon naught यहां पर क्या है कॉमन है, ठीक है. तो क्या बचेगा यहां पर देखिए, ये बच जाएगा q2 upon 3 root 3. ओके क्लियर है अच्छे से. और यहां पर क्या बचेगा 2 into 3 6, तो -6 into 10 की पावर -9, -6 into 10 की पावर -9 divided by 11 root 11 equal to 0, ठीक है, clear है. Now, जो आपकी Q2 की value है, वो कितनी हो जाएगी, 6 into 10 की पावर -9 into 3 into root 3 divided by 11 root 11, ठीक है. Now, इसे आप और solve कर दीजिए, 18 root 3 11 root 11 nano coulomb, 10 की पावर -9 को क्या लिख सकते हैं, नैनो लिख सकते हैं. तो ये आंसर आ गया आपका Q2 का, ठीक है, क्लियर हो गया. तो आई होप आपको इस कंप्लीट वीडियो से कुलाम्स लॉ क्लियर होगा और कुलाम्स लॉ का यूज कैसे करना है हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है. अगली क्लासेस में हम लोग नए लॉस पढ़ेंगे, दैट इज गॉस लॉ, और भी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कांसेप्ट है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है. लेकिन आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो पहले आप उस डाउट को क्लियर करिए, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे. ओके थैंक यू.